हेलो ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में क्वाड्रिलेटरल के बारे में देखा था, है ना। और क्वाड्रिलेटरल में ही हम लोगों ने पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ा था। तो पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी। वो प्रॉपर्टीज़ क्या है? सबसे पहले हमने पैरेललोग्राम का डेफिनेशन जाना था कि पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड्स क्या हों, पैरेलल हों। अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स क्या हों, पैरेलल हों। तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग? पैरेललोग्राम बोलेंगे। अच्छा, पैरेललोग्राम और किस किस क्वाड्रिलेटरल को बोलेंगे, क्या क्या कंडीशंस हैं उनको हम लोग, वो भी हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, तो उसी क्रम में कुछ थ्योरम है जिनको मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि प्रूव करने के लिए। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो देखते हैं कि वो थ्योरम क्या क्या है, कैसे हम लोग उनकी प्रूविंग करेंगे। ओके, तो सबसे पहला थ्योरम है, थ्योरम पहला क्या है कि द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या कह रहा है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो उस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज कि अगर मेरा ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ओके, ये ए बी सी डी ये एक पैरेललोग्राम है, तो और ए सी हमारा एक डायगोनल है, तो कह रहा है कि दिस ए सी विल डिवाइड दिस टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में ये क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा, यही बोल रहा है। ओके, उसी तरीके से अगर बी डी अगर कोई डायगोनल है तो ये भी बी डी भी क्या करेगा, इसको दो ट्रायंगल में, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। और दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कौन से, ए बी डी और बी सी डी, इस बी डी डायगोनल के लिए। और ए सी डायगोनल है तो कौन सा दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ए सी डी और ए बी सी। ओके, ठीक है। तो अभी हम ए सी एज ए डायगोनल लेकर के चल रहे हैं, ओके, और हम इसको प्रूव करेंगे, इस थ्योरम को। तो हमें प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी। ओके, इसे हमें प्रूव करना है। गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ओके, और क्या दिया है, ए सी इज डायगोनल। क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट ट्रायंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी, यही हमें प्रूफ करना है। ओके, तो हम इन दोनों ट्रायंगल में चल लेते हैं। तो आइए देखते हैं ए डी सी में और ए बी सी में क्या दिया हुआ है। अच्छा, हमें पता है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ये क्या हो गया कि इसका साइड जो होगा ये क्या होगा, पैरेलल होगा सभी साइड्स, है ना। ये तो हमें पता चल गया, सभी साइड्स क्या होंगे, एक दूसरे अपोजिट पेयर ऑफ साइड क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ओके, तो अब जरा देखिए तो कि अगर ये साइड और ये साइड पैरेलल है और ये ए सी जो है डायगोनल है, यानी ए सी किसके, ये एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा। देखिए, ये साइड और ये साइड पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो देखिए तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल। उसी तरीके से देखिए, ये एंगल और ये एंगल हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट बाई ए बी सी बाई ए एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। बात समझ में आया, ट्रायंगल क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हो गया। यानी कि यही कह रहा था कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो ट्रायंगल को, उस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता था। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कुछ प्रूविंग्स पे। ओके, कुछ प्रूविंग्स, ये तो थ्योरम था। हम पैरेललोग्राम में जब पढ़ा रहे थे तो हम बोल रहे थे कि इसकी प्रूविंग कराएंगे, ये सारे जितने भी चीज़ मैं लिख रहा हूँ उसकी प्रूविंग कराऊंगा। ओके, तो आइए मैं उसको पहले प्रूव करा देता हूँ, ठीक है। मैंने उसका यूज़ हालांकि कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन उसकी प्रूविंग्स भी अभी करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है उसकी प्रूविंग्स। इफ़ एनी अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल, देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम। क्या बोल रहा है कि कोई भी अपोजिट पेयर ऑफ साइड जो है अगर इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम बोलेंगे। आइए देखते हैं कैसे, ठीक है। लेट ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ए बी सी डी क्या है हमारा, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि ए बी पैरेलल टू सी डी दिया है और ए बी इज इक्वल टू किसके दिया है, सी डी दिया है। ओके, हमें इसे पैरेललोग्राम प्रूव करना है,
ठीक। तो इसको पैरेललोग्राम हम प्रूव करेंगे, इसका मतलब क्या कि हमें ये प्रूव करना है कि इसके सभी साइड्स क्या हो जाएं, पैरेलल हो जाएं, इसके अपोजिट साइड्स क्या हो जाएं, पैरेलल, यानी ये साइड और ये साइड भी हमें अगर पैरेलल दिखा दिए या इक्वल दिखा दिए तो क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। ओके, तो जरा आप देखिए, टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं कि जॉइन ए एंड सी, ए और सी को जॉइन कर दे रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, जॉइन ए एंड सी, ठीक है, ए और सी को क्या किया हमने, जॉइन कर दिया। अच्छा, अब जरा देखिए तो हमें क्या मिल जाएगा, ये एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर मिलेगा, यानी एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल सी ए बी, ऑल्टरनेट एंगल है ना, ये मिल जाएगा। अभी हमारा गिवन क्या है, सी डी इज इक्वल टू ए बी भी दिया है, सी डी इज इक्वल टू ए बी भी दिया है, ये गिवन है ना। और देखिए तो ए सी बराबर क्या दिया है, ए सी दिया है, ए सी बराबर क्या है, ए सी, क्या है ये, कॉमन है। तो देखिए तो ट्रायंगल ट्रायंगल ए सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी बाई एस ए एस, एस ए एस से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अच्छा, जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि इस एंगल के सामने वाला ये साइड ए डी ये बराबर हो जाएगा इस एंगल के सामने वाले साइड बी सी के। बात समझ में आ रही है, यानी देखिए ए डी बी सी के बराबर है और सी डी जो है ए बी के बराबर है, यानी अपोजिट पेयर ऑफ साइड जब इक्वल होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। ये बात समझ में आया, ओके ठीक है। अब इसी चीज को अभी हम फिर से प्रूव करते हैं कि अगर अपोजिट पेयर ऑफ साइड इक्वल है तो वो क्या है, पैरेललोग्राम है। अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट चीज यही प्रूव करेंगे कि अगर अपोजिट पेयर ऑफ साइड क्या है, इक्वल है तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। ये बात तो इतनी तो समझ में आ गई होगी कि ये सीपीसीटी से ये हो गया, हेंस कह सकते हैं हम लोग ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम प्रूव। ओके, अब हम चलते हैं इसको प्रूव करते हैं, इस कंडीशन को कि अपोजिट पेयर ऑफ साइड अगर इक्वल है तो वो क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। अपोजिट पेयर ऑफ साइड किसी क्वाड्रिलेटरल का अगर इक्वल है तो उसको क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम कहेंगे, ठीक है। तो मैंने एक पैरेललोग्राम यहाँ ड्रॉ किया, सॉरी एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे ड्रॉ किया है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है। इसमें गिवन है कि अपोजिट पेयर ऑफ साइड यानी ए बी बराबर सी डी के हैं और ए डी बराबर क्या है, बी सी के है, ओके ये गिवन है। तो हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है कि टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, कंस्ट्रक्शन एक करते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्शन में क्या, जॉइन ए सी, ए सी को क्या करते हैं हम लोग, जॉइन कर देते हैं। अब हमें दो ट्रायंगल मिल जाएगा, तो देखिए तो जरा, इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ए सी डी और ए बी सी ट्रायंगल में देखिए क्या मिलेगा, ए डी बराबर मिला है, पहले से गिवन है बी सी, ए डी बराबर क्या है, बी सी के गिवन है ना। उसके बाद ये देखिए तो सी डी बराबर क्या दिया हुआ है, ए बी है ना, ये भी दिया हुआ है। और देखिए ए सी एक साइड कॉमन है, ए सी बराबर ए सी, ये क्या है, कॉमन है, और ये सब क्या था, गिवन था। तो देखिए ट्रायंगल जो हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया बाई एस 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 साइड 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 से, ट्रायंगल ए सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी बाई एस 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 है ना, इससे कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सी पी सी टी से उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे। तो अब जरा देखिए ये साइड जो है ए डी ये बराबर है किसके, बी सी के, यानी ए डी के सामने वाला एंगल जो होगा वो बराबर होगा किसके, बी सी के सामने वाले एंगल के। बात समझ में आ रही है ना, यानी ये एंगल कैसे एंगल है, ये एंगल और ये एंगल कैसा एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल है। तो आपको पता है कि अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है यानी कि जो लाइंस हैं वो क्या है, पैरेलल है। यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं कि सिंस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू
angle BAC, ACD जो है BAC के इक्वल है, अल्टरनेट एंगल है, ये कैस किस चीज़ से इक्वल हुआ, CPCT से इक्वल हुआ, एंड सिंस दे आर अल्टरनेट एंगल हेंस क्या यहाँ से मिल गया, AB इज पैरेलल टू किसके, CD के, AB किसके पैरेलल हो जाएगा, CD के पैरेलल हो जाएगा। तो अब जब AB CD के पैरेलल हो गया और AB पहले से ही CD के इक्वल टू है, तो मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल में एक साइड पैर, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो हम उस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम बोलेंगे। तो बस ये ए बी पैरेलल टू सी डी दिखा दिया और ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है ही, तो देखिए एक साइड को पैरेलल और इक्वल दोनों दिखा दिया, यानी हेंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, प्रूव्ड। बात क्लियरली समझ में आई, ओके। अब क्या प्रूफ करने को रह गया, सब कुछ तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है ना, और भी अगर कोई चीज़ रह गई हो तो उसको आप लोग खुद से प्रूफ करिएगा, ओके। अच्छा एक चीज़ और करा दे रहा हूँ, डायगोनल अगर बाइसेक्ट करता है तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, ओके। इसको भी मैं प्रूफ करा दे रहा हूँ। इस क्वाड्रिलेटरल क्या कह रहा है, इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम, ओके। तो जरा देखिए कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ए ओ बराबर ओ सी है और डी ओ बराबर क्या है, ओ बी है, यानी बी ओ बराबर क्या है, ओ डी है, ठीक है, ये दिया हुआ है, इट इज़ गिवन, ओके। हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हम क्या क्या प्रूफ कर सकते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल दिखा सकते हैं, एक पेयर ऑफ साइड इक्वल और पैरेलल दोनों दिखा सकते हैं, या सभी साइड्स, सभी मतलब कि अपोजिट साइड्स क्या दिखा सकते हैं, इक्वल दिखा सकते हैं, ये भी दिखा सकते हैं, है ना। अब देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो जरा देखिए इन ट्रायंगल हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, ए ओ डी और बी ओ सी ट्रायंगल में चले हम, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए ओ बराबर ओ सी गिवन है ना, उसके बाद मिलेगा एंगल ए ओ डी बराबर एंगल बी ओ सी, देखिए ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना, और एक और चीज़ दिया हुआ है बी ओ बराबर ओ डी, बी ओ बराबर क्या दिया है, ओ डी गिवन है, तो देखिए एंगल सॉरी साइड एंगल साइड ऐसे ऐसे ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो देयरफोर ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC बाय SAS। अब SAS से कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ जरा देखिए, तो उसका मतलब हो गया इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, यानी कि इस एंगल के सामने वाला ये साइड AD ये बराबर होगा इस एंगल के सामने वाला साइड BC के, है ना, इक्वल होगा। और जरा देखिए तो ये वाला ये साइड AO जो है बराबर है OC के, यानी कि साइड AO के सामने वाला एंगल बराबर होगा साइड OC के सामने वाले एंगल इसके, यानी एंगल क्या कहेंगे हम, ADO इज इक्वल टू एंगल OBC। और देखिए ये किससे हुआ, CPCT से। अब जरा एक चीज़ देखिए कि ये कैसे एंगल है, ये जो है अल्टरनेट एंगल है, यानी अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये साइड क्या हो गया, पैरेलल हो गया, हेंस अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, देयरफॉर साइड AD इज पैरेलल टू साइड BC एंड साइड AD इज इक्वल टू साइड BC, अभी मैंने बताया। तो अगर कोई भी पेयर ऑफ साइड को, कोई भी एक पेयर ऑफ साइड को हम पैरेलल भी दिखा दें और इक्वल भी दिखा दें, इसका मतलब क्या होगा, वो ABCD होगा। इसको अभी प्रूफ किया था, उसके सबसे पहले इसी को प्रूफ किया था, बात क्लियरली समझ में आ रहा। तो सिंस देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, बात क्लियरली समझ में आया, ठीक है। तो अब लगभग सारी प्रूविंग्स करा दी है मैंने, अगर कुछ रह गया हो तो उसको प्रूफ कर लीजिएगा आप लोग खुद से, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, अगर पैरेललोग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो देखेंगे, और स्क्वायर शुरू करेंगे हम लोग कि स्क्वायर क्या है, ये कैसा पैरेललोग्राम है, ओके। तो हम लोग स्क्वायर देखेंगे और स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।